हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आज सुबह से वायरल हो रही थी, जी हाँ, आज सुबह से वायरल हो रही थी और मुझे हैदराबाद से एक कॉल आई थी और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और किसी एक लीडर ने जो है अपने तेलुगु भाषा में जो है कुछ लिख करके भी डाला था कि नजाल सर ने जो है अपना त्यागपत्र दिया हुआ है या नजाल सर जो है ऑन पैसिव को जो है छोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑन पैसिव की तरफ से, नजाल सर की तरफ से जो यहाँ पर एक पोस्ट जो वायरल हुई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, नजाल सर ने पोस्ट को जो लिखा था उसमें लिखा है, After two fulfilling years at On Passive Technology LLC, I am excited to announce that I am working on a new journey. I am stepping down from my role as Chief Marketing Officer to pursue my passion for creating impactful marketing solution एट मीडिया बुल। तो यहाँ पे जब ये जो मैसेज था, लोगों ने इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके देखा तो इसका मतलब यही निकला था कि यहाँ से जो है जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट भी किया। लेकिन कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे देखा जाए आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पे सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि हमेशा से ही एस मुफारिस सर ने कहा है कि सब कुछ यहाँ पर मेरे अनुरूप ही होने वाला है, कोई भी चीज़ जो है मेरे बिना या मेरी इजाज़त के बिना नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ जो है अगर मेरी विज़न के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग अगर आपकी सोच नहीं मिल पाती है तो फिर जो है यहाँ पर वो काम नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ये हमारे मोहम्मद नजाल सर हैं, ये पहले व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो यहाँ पर नहीं रहेंगे। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो आज हमें ऑन पैसिव में नज़र नहीं आते हैं, पहले वो नज़र आते थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो एस मुफारिस सर का जो विज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने ह्यूमनिटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं और वो ह्यूमनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमनिटी उनके लिए सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अब सब कुछ पूरा का पूरा जो इंचार्ज है वो हमारे एस मुफारिस सर ही हैं, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों में ही ले रखा है, क्योंकि अब कोई भी जो है किसी भी तरीके से कोई भी अपनी मनमानी करता है या कोई भी काम करता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ अपने तरीके से ही वो करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारा का सारा काम हो। और वास्तव में बात सही भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि ये इस तरीके से नहीं उस तरीके से हो, इस तरीके से नहीं उस तरीके से हो। और अगर आपने हमारे सीईओ सर को सुना होगा हमारे ओमिनो शो के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ लाइनें लिखी थी, वो शायद इसी के संबंध में हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि विज़न को ठीक तरीके से समझते नहीं हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो शायद लाइनें जो हैं इसीलिए बोली थी हमारे एस मुफारिस सर ने। तो आज अभी जो है समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ ऑन पैसिव एज ही envisioned it, यानी कि उनके विज़न के साथ अगर किसी का भी विज़न अगर मैच नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा। कुल मिलाकर के यही है कि यहाँ पे हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये जो ऑन पैसिव है वो सबसे ज़्यादा अपने जितने भी फाउंडिंग मेम्बर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और यहाँ पे उनको टेक केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनको अच्छी तरीके से अपलिफ्ट करना, और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं उनको ठीक तरीके से अपलिफ्ट करना, ये ऑन पैसिव की जिम्मेदारी है। केवल ये मनी मेकिंग कंपनी नहीं है, केवल पैसे को ही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, सबसे ज़्यादा पैसे को ही प्रमोट किया जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हम सब लोग जो मिलकर है एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, ये दिल से बनाई जा रही कंपनी है। तो यहाँ पर किसी भी जो है ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पर प्रमोट नहीं होने दिया जाएगा जो कंपनी के जो है अकॉर्डिंग ना हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर नजाल सर अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आगे कोई काम नहीं होगा या आगे हमारा जो बिज़नेस है वो नहीं चल पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे एस मुफारिस सर जो जिस टाइप की सोच रखते हैं, जिस टाइप की उनकी इंटेंशन है, जिस टाइप से वो अपने इस प्रोग्राम को लेकर के ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, जिस टाइप की वो कंपनी बनाना चाहते हैं, उस टाइप के लोग यहाँ पर ही होंगे जो उनकी विज़न से, उनकी सोच के साथ और सब कुछ उन्हीं से ही मैच करते हुए यहाँ पे पाए जाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो हो सकता है कि यहाँ पर वो दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि सारे लोग जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के फोकस ऑन कमिटमेंट
वॉट इट इज़ देयर एंड मिस्टर एस मुफारेसर ऑलवेज डू वट एवर ही फील्स गुड एंड दैट कमिटमेंट एंड दैट द विजन ऑफ द 2018 द कोर वैल्यू इज सेम एनी वन हु डज नॉट इन लाइन विद दैट विजन विल वी नॉट इन द ऑन पैसिव. यानी कि कुल मिलाकर के यही बात है कि हमारी जो कोर वैल्यू है वो कोर वैल्यू कभी भी जो है चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी. और जो कोर वैल्यू है इसको लेकर के हमेशा एस मुफारेसर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, क्योंकि ये जो कोर वैल्यूज़ होती हैं जो कंपनी के एथिक्स होते हैं यही कंपनी को सबसे ज़्यादा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिलाने में, उसको टॉप पर ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं. 2018 से कंपनी का जो मिशन रहा है, कंपनी का जो विज़न रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना कंपनी का सबसे पहला प्रायोरिटी है. और ह्यूमैनिटी के अंदर हम सब फाउंडिंग मेंबर्स भी आते हैं. इसके अलावा हमारे जो आउट ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाउंडिंग मेंबर से बाहर हैं, जो नहीं बन पाए, आज आने वाले टाइम के अंदर वो एज ए एफिलिएटर काम करेंगे, एज ए कस्टमर बन करके रहेंगे, तो वो भी एक एज ए ह्यूमन ही है, उनको भी अपलिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो हर तरीके से देखा जाए ऑन पैसिव अपने विज़न को लेकर के, अपने मिशन को लेकर के हमेशा से सतर्क रही है, हमेशा से आगे बढ़ती रही है. और आज हम सब लोग अपने इस ऑन पैसिव पर सबसे ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं, इसीलिए क्योंकि एस मुफारेसर की जो सोच है ना वो बहुत बहुत बेहतरीन है. उनको हर टाइप का एक्सपीरियंस है, चाहे वो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बिजनेस करने का एक्सपीरियंस हो, चाहे यहाँ पर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको टेस्ट करने का एक्सपीरियंस हो. एक जब एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति अगर हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. हमारे CEO ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और यहाँ पर जब तक हमारे CEO हमारे साथ हैं तब तक हमें यहाँ पर घबराने की, किसी भी टाइप से पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देखिए बिजनेस एक बिजनेस होता है, बिजनेस अपनी जगह होता है, और एक जो रिलेशन होता है वो अपनी जगह होता है. आप किसी भी रिलेशन को बिजनेस से नहीं तोल सकते, और ना ही किसी भी बिजनेस को आप रिलेशन से तोल सकते हैं, और ना ही रिलेशन को आप बिजनेस से तोल सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें अपनी अलग अलग होती हैं. अगर आप कोई भी एक बिजनेस करते हैं और वहाँ पे आपका कोई भी सगा संबंधी आता है और आपसे डेली वो फ्री में सामान लेके चला जाता है, फिर आप एक दिन ज़रूर सोचेंगे कि यार डेली फ्री में सामान लेके चले जाते हैं, किसी भी दिन यार ये भी नहीं कहते हैं कि चलो आज के दिन जो है पैसा भी ले लो, आज वो अपना प्रोडक्ट लिया हुआ है उसका पैसा ही ले लो. तो कुल मिलाकर के बिजनेस अपनी जगह होता है और रिलेशन अपनी जगह होता है. तो एस मुफारेसर हमेशा बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही देखते हैं. वहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पे उसी तरीके से काम करना करेंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम हैं, और अगर इतने अच्छे विज़न के साथ, इतने अच्छे इंटेंशन वाले व्यक्ति के साथ अगर हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य जो है कितना अच्छा होने वाला है. तो कुल मिलाकर के जो हमारे नजाल सर हैं जो हमेशा मार्केटिंग के हेड रहे हैं, उनको मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो कल को अगर हमारे ऑन पैसिव में अगर नज़र नहीं आते हैं तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. इसके बारे में आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, और भी जानकारी मिल जाएंगी कि इसके पीछे हो सकता है कि ऐसा इसके बारे में बताएं, और ये भी हो सकता है कि ऐसा इसके बारे में ना बताएं. लेकिन हमें कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझनी है कि हमें अपने विज़न से ऑन पैसिव का जो विज़न है, हमारा जो विज़न है वो मैच करता हुआ ज़रूर होना चाहिए. क्योंकि अगर हमारा विज़न अगर ऑन पैसिव से मैच नहीं करेगा, अगर हम उस टाइप से काम नहीं कर पाएंगे तो शायद हम भी यहाँ पर दिखाई ना दें. तो कुल मिलाकर के यही है कि अपनी इंटेंशन को, अपनी मैंटलिटी को हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक IT सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे कितना समय किस टाइप से लग सकता है ये हमें बाद में ही पता चलेगा. सो कुल मिलाकर के हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. और जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे शायद उन लोगों को अब जवाब मिल चुका होगा कि अगर आज हमारे बीच में हमारे ऑन पैसिव कंपनी के अंदर अगर हमारे नज़ल सर दिखाई नहीं देते हैं तो हमें ज़्यादा पैनिक होने की यहाँ पे जो आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. हो सकता है कि वो किसी वजह से यहाँ से ना हो, और आने वाले टाइम के अंदर और भी लोग हमारे साथ जो है आएंगे जो कि हमारे इस मार्केटिंग को जो है पूरी तरीके से संभालेंगे. तो कुल मिलाकर के हम एक फाउंडिंग मेंबर हैं, हमारा जो एक कर्तव्य है, हमारा जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उन सारी चीज़ों को निभाना है. सो थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, और शायद ये बात कहीं ना कहीं सही है. और आज हमारा जो प्राइम डिस्कशन है गुरसमिंदर ढिल्लन सर का, शायद उसमें भी ये बात जो है उठाई जा सकती है. तो उस प्राइम डिस्कशन को जो है जो 8 बजे आज हो रहा है आप उसको आप ज़रूर सुनिए. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. वी आर सो इन इट टू विन इट. जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी, और हमारा फ्यूचर यहाँ पे 100% ब्राइट है. थैंक यू सो मच.